हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं टेक दिलीप। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने YouTube वीडियो का लाइक और डिसलाइक को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी वीडियो पे डिसलाइक्स ज्यादा आ जाते हैं तो लोग आपकी वीडियोज पे आते हैं और डिसलाइक को देख के आपकी वीडियोज पूरी देखे बगैर चले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे कि हम अपने लाइक और डिसलाइक को किस तरीके से हाइड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो मैं अपने YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। जैसे ही आप अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होता है। यहाँ आप लोगों की सारी वीडियोज़ आ जाती है। यहाँ से आप लोगों को वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जिसके आप लाइक और डिसलाइक को हाइड करना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आप लोगों को कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ होगा पेंसिल, पेंसिल पे क्लिक कर लेना है। पेंसिल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ होगा एडवांस सेटिंग। सिंपली क्या कर लेना है, एडवांस सेटिंग पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो मैं एडवांस सेटिंग पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा होगा यूजर कैन व्यू रेटिंग फॉर दिस वीडियो, ये अनेबल किया हुआ है, मतलब कि हमारे लाइक और डिसलाइक हर किसी को शो हो रहे हैं। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, इसको डिसेबल कर देना है। तो मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ। डिसेबल करने के बाद ऊपर आप लोगों को सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना। जैसे आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके इस वीडियो के लाइक और डिसलाइक हाइड हो जाएंगे। आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। शुक्रिया।